हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। सबसे पहले देश के सभी नागरिकों को दिल से मेरी तरफ से, हमारी स्टडी 24 ऑफिशियल की पूरी फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और इसके साथ में रक्षाबंधन की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस मन रहा है, तो बहुत अच्छा है, बहुत खास है। तो मैंने एक पोएम बनाई है और उम्मीद है कि अपने लेवल से पूरी कोशिश करिए तो आप एक बार वो जरूर देखें। तो फ्रेंड्स देखिए, तो साथियों अगर कुछ गलती हो तो क्षमा करें। आइए शुरू करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि नसीब किसे कहते हैं, मैंने जवाब दिया दुनिया में 200 से ज्यादा देश, फिर भी जन्म हिंदुस्तान में होना, इसे कहते हैं नसीब। भगवान का, खुदा का, वाहे गुरु का धन्यवाद करता हूं कि हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। वीरों की इस पावन धरती पर मेरा जन्म हुआ है, जहां कितने धर्म, जातियां, राज्य, शहर, फिर भी हमारे दिलों में हिंदुस्तान जिंदा है। इसलिए अपने आप को खुश नसीब समझता हूं और यह मेरा नसीब है कि हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है। हिंदुस्तान में जन्म मिले ऐसे सबके कर्म नहीं, हिंदुस्तान में जन्म मिले ऐसे सबके कर्म नहीं, मेरा हिंदुस्तान किसी स्वर्ग से कम नहीं। देश से गद्दारी करें, गौर से सुनिए, देश से गद्दारी करें ऐसे हम नहीं, दुश्मन आंख उठा के देखे, दुश्मन आंख उठा के देखे इतना उसमें दम नहीं, हमारा हौसला तोड़े ऐसे दुश्मन की गोली और बम नहीं, ऐसे दुश्मन की गोली और बम नहीं। तिरंगा ना झुके कभी इसके लिए जान जाए तो भी कोई गम नहीं, इसके लिए जान जाए तो भी कोई गम नहीं। इसके बाद छोटी सी और लाइन है, वो भी सुन लीजिए। भारत माँ तेरी ओर आंख जो उठाएगा चूर चूर वो हो जाएगा, भारत माँ तेरी ओर आंख जो उठाएगा चूर चूर वो हो जाएगा। चौड़ी है तेरे बेटों की छाती इनसे जो टकराएगा कभी उठ नहीं पाएगा। इसके बाद एक सैनिक बोलता है जो बॉर्डर पे है, वो क्या बोल रहा है, सरहद पर जान चाहे जाए पर दुश्मन अंदर घुसने पाए, हम चाहे रहे अंधेरे में पर देश के अंदर हर सवेरा खुशी का आए। खुश नसीब है वो जिनकी जान देश के काम आए। इसके बाद एक सैनिक अपने अंतिम समय में क्या बोलता है, अंतिम सब बोल रहा है कि मैं याद हूं या नहीं पर अब याद आऊंगा, जब तिरंगा में लिपट कर घर आऊंगा, कसम से हर किसी को रुला जाऊंगा। पर तुम रोना नहीं, सब्र खोना नहीं, मैं फिर आऊंगा, फिर शहादत पाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों अगर ये पोइम सुन के आपके अंदर देशभक्ति नहीं जागे तो बहुत गलत है। आप चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन शहीदों के नाम, उन सैनिकों के नाम लाइक जरूर करें, जिससे हौसला मिले। और ये जो पोइम है हमारे देश के सैनिकों के लिए डेडिकेटेड है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और भारत माता की जय जरूर लिखें। जय हिंद।